प्रभारी मंत्री जहीदा खान एक दिवसीय दौरे पर बूंदी सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी मंत्री का स्वागत सत्कार किया। सर्किट हाउस में चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस का आज जिला प्रभारी मंत्री जहीदा खान ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, बूंदी प्रधान प्रेमबाई मीणा, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, के पाटन विधायक सीएल प्रेमी, पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस मिलने से बहुत राहत मिली है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सहित वेंटिलेटर अन्य सुविधाएं भी इस एम्बुलेंस में मौजूद है। यह एम्बुलेंस स्पीड से बड़े बड़े अस्पताल पहुंचने में सक्षम है। इसका लाभ मरीज को मिलेगा और सही समय पर मरीज को उपचार मिल सकेगा। सिविल लाइन रोड स्थित आर्ट गैलरी में आज जिला प्रभारी मंत्री जहीदा खान राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन के पश्चात प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने आर्ट गैलरी में लगी हुई विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, DFO सोनाली सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रचना शर्मा मौजूद रही।
मैच की हमारे तरफ डायमंड या वो कुछ भी मेरे वो मैचिंग है नहीं मैंने मैचिंग ही पहनी कांच की भी है मैं भी ले लो अरे मैं ना एक्चुअली लात की नहीं पहनती कांच की नहीं कांच की पहनते हैं सुहाग का कांच का ही तो माना जाता है मुसलमानों में लात का भी मानते हमारे यहाँ तो सुहाग में यही मानते कोई बात नहीं हमारे तरफ से तो ले सकते हो आप एक मैं पहनूंगी नहीं ना लेके क्या करूंगी और पहनो दे मैडम को दो इनको दो लो मैं दो अगर मैं पहनती होती तो मैं ले जाती सब कुछ पैक कर कोई भी नहीं पहनता होता है उनको दो आप तो समझ लीजिए मैं भी नहीं पहनती हमारे तो पहन का ही नहीं पहन कुछ भी पहनो अगर बिना कांच की छोटी आप भी बताओ आंवला है सूखा आंवला और मैंने उसमें हल्दी का अचार का रेट क्या है नहीं हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है प्रदर्शनी से एक ये फायदा होगा कि आम आदमी भी तक हमारी बात पहुंच पाएगी जो सीएम साहब की सोच है वो सब तक पहुंच पाएगी और हमारी सरकार ने कोविड के अंदर जो काम किया है वो सब उनके सामने आएगा उसके बावजूद इतना डेवलपमेंट करा है जो सब कुछ मैंने स्टॉल्स देखी बहुत अच्छी थी और इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी जब तक ज़िले में प्रशासन अच्छा ना हो तो नीचे लेवल पे काम नहीं हो सकता तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है उसको देख के बहुत खुशी हुई आज मैंने पहली बार ही देखा है जैसे आपके आंवले का और चुकंदर का चूर्ण बहुत टेस्टी था लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी मतलब क्राफ्ट वाइज भी अगर आप देखें योजनाओं के अलावा तो लेडीज़ को जो मोटिवेट करने का काम वो बहुत अच्छा था मैम आपने एक मानवीयता भी दिखाई है कि एक्सीडेंट और सजदा करनी आपके पास पहुंचा था मिलने आपने खुद गाड़ी छोड़ कर नीचे उतनी है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि नहीं ये तो हर किसी को करना चाहिए उनकी भी एक मांग है परमानेंट नहीं बिल्कुल ठीक बात है बट मेरी इस दौरान मेरी बिटिया की शादी थी मैंने सब लोगों से यही कहा मैं नहीं कर पाई बात मैं ज़्यादा वहाँ रही अब मैं कल ही वहाँ से आई हूँ रात को 11 बजे पहुँची थी अब उसके बाद मैं सीएम साहब से यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उसी मांग के ऊपर और ये मानवता हर किसी को दिखानी चाहिए चाहे आप मिनिस्टर हो एमएलए हो या आम आदमी हो सीएम साहब ने इतनी बड़ी बात इस बार रखी थी बजट में कि अगर आप किसी को ले जाते हैं तो आपसे ना तो ये पूछा जाएगा एक्सीडेंटल केस में आप क्यों लाएं क्योंकि लोग इसलिए घबराते थे और इवन उसको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे शायद यही है ना 5,000 तो ये दिया जाएगा तो सीएम साहब की ही सोच है और किसी को अगर वो लाए हैं और वो उससे चला नहीं जा रहा तो इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम एडमिट कराएँ लेकिन उसका कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है फ्रैक्चर मैक्सिमम हेयर लाइन है शायद और अभी कंफर्म हो जाए महिलाओं के मामले में ग्राफ बढ़ रहा है किस चीज़ में महिलाओं के अपराधों के मामले में क्या कहना चाहेंगे एक्चुअली अपराध बढ़ना नहीं कह सकते ये एक सीएम साहब की ही बहुत अच्छी पहल थी कि अगर कोई महिला अपने उसको लेकर आएगी तो आपको FIR करनी पड़ेगी पहले उनकी FIRs दबा दी जाती थी
तो यही है, तो मैं अपनी सरकार की बहुत अच्छी पहल कहूँगी कि उन्होंने औरत को एक मौका दिया है कि वो अपनी उसकी आवाज़ हर जगह पहुँचे, और उसके साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो सबके सामने। यूरिया की किल्लत चल रही, किसान भटकते फिर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। असल में इसमें कंट्रोवर्सी आ जाएगी अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो। नहीं फिर भी मैडम लाइनें लग रही है, जिले के मुकाबले बल्दी जिले में काफी किल्लत है। बट लेकिन केंद्र ने टाइम पे ऑर्डर नहीं दिया, वो सारी बातें फिर आप ये कहोगे कि बीजेपी को कर रहे हैं, सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी सीएम साहब। मैडम काला बाजार ये तो राज्य सरकार रोक सकती है, तो सीएम साहब जैसी सोच हो और अधिकारी सही हो तो जरूर रोक सकते हैं। सीएम साहब इसको जरूर रोक के दिखाएं। ठीक है मैडम। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें, जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।